फिल्मों के माध्यम से दो देशों के बीच आपसी सामंजस्य को बढ़ाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में फेस्टिवल ऑफ एनिमेटेड फिल्म्स फ्रॉम ईरान का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFC यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, फया एफ मिलिमोनो एम्बेसी ऑफ गिनी, मुस्तफा अबू बकर डियोरी फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ नाइजर, डॉक्टर फरीदोद्दीन फरीदस्त कल्चरल काउंसलर ईरान कल्चरल हाउस ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, पिछले 14 सालों से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ईरान फिल्म फेस्टिवल से जोड़ा गया। ईरानी कल्चर इंडिया में बहुत लोकप्रिय हुआ। इंडिया और ईरान के अच्छे संबंध सदकों से हैं। दुनिया भर के कई फिल्म समीक्षकों ने ईरानी फिल्मों की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक सिनेमाघरों में से एक के रूप में प्रशंसा की है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भारतीय सिनेमा की खूबसूरती और सिनेमा के इतिहासों पर अपने विचारों को साझा किया। बता दें कि कार्यक्रम में ईरान की एनिमेटेड फिल्म मुबारक की स्क्रीनिंग दिखाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य अतिथियों को भी इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। Yeah, today's event is very good, and really I appreciate to invite me, and I wish you all the best for this institute, which is very important to help people understanding their culture, and really I am very happy to be here, and I see that really the school is very nice, and I congratulate all of you. Thank you so much. We like to say about this event, because the event is very big to exchange the culture of two nations. بله، من فریدالدین فرید عصر هستم، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هندوستان، و این رویداد ادامه همکاری های فرهنگی بین دو کشور هست و به طور خاص یک همکاری در حوزه سینما و انیمیشن بین ما و استودیو مروه، و در همین جا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مروه. मेरा नाम फरीदुद्दीन फरीद असर है, मैं इंडिया में ईरान के कल्चर काउंसलर। ये इवेंट जो है वो कंटिन्यूशन है उन तमाम इवेंट्स का के जो इंडिया और ईरान रिलेशन को स्ट्रेंथन करते हुए और पिछले कई वर्षों से मारवा स्टूडियोज़ के साथ अलग अलग इवेंट्स करते आ रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। और आज हम जिस इवेंट पर यहाँ जमा हुए हैं वो ईरानियन एनिमेटेड मूवीज़ से रिलेटेड है, जो कि चिल्ड्रंस के बारे में है, उनके ऊपर इसकी थीम है। आज हम यहाँ इस मौके पर जमा हुए हैं। मैं डॉक्टर राम मारवा का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। Thank you for the question. I am Faya Mimuno from the Guinea Embassy, the Republic of Guinea Embassy in New Delhi. So about the event, it's a very good initiative, as I mentioned previously during my notes, because we learn a lot through the culture, as we used to say that the film and other aspect of the culture unites country. I mean, try to break the boundary between country. There are people in my country, Guinea, they can watch India movies without understand Hindi, which is important. This means that they are trying to understand, the scenery, and even though they are not, they don't understand what it's saying, they are impressed by the way the movies are made. So from our side, we are trying to promote the culture through movies. चौदह साल पहले हम लोगों ने इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन किया था, और उसके अंतर्गत हम लोग ईरान के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम लगातार करते चले आ रहे हैं। और इसके बीच में हम लोगों ने ईरान फिल्म फेस्टिवल भी किया, जहाँ ईरान से फिक्शनल फीचर फिल्में आई, जिसका हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। ईरान हमारे ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का
का हिस्सा बनी। ईरान हमारे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का हिस्सा बना। ईरान से आए दिन बड़े बड़े अफसर जो आते रहे वो हमारे यहाँ से होकर गुजर कर वापस गए। ईरान के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति अभी थोड़ी दिन पहले हमारे यहाँ से होके गए। फिर हम लोगों ने ईरान के साथ मिलकर एक ईरान वीक रखा, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक हफ्ता ईरान को और हमारी ईरान की दोस्ती को बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी कड़ी के अंदर आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चर फोरम और ईरान कल्चर हाउस एम्बेसी ऑफ ईरान के साथ मिलकर ये फेस्टिवल रखा है, जहाँ पर ईरान से बनी हुई एनिमेटेड फिल्मों को आज दर्शाया जा रहा है। पहले तो लोग वैसे ही हैरान हो गए कि भाई जान करके ईरान में भी एनिमेशन वाली फिल्में बनती हैं। जी हाँ, बिल्कुल बनती हैं, और ईरान एनिमेटेड फिल्मों के लिए अब देश भर और दुनिया भर में पहचाना जाता है। खूबसूरत फिल्में हैं, इन फिल्मों का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच में ईरान कल्चर हाउस के डायरेक्टर और जो कि कल्चर काउंसलर भी हैं एम्बेसी ऑफ ईरान में, और हमारे यहाँ पर नाइजर से, गिनी से डिप्लोमेट भी मौजूद हैं जो आज के हमारे खास अतिथि की लिस्ट में थे, और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही इस फेस्टिवल का विमोचन किया।